सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कुछ सरल प्रश्नों से करते हैं। सबसे पहले, क्या प्रकाश की प्रकृति से स्पष्ट रूप से अवगत है? व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण जैसी परिघटनाएं प्रकाश की किस प्रकृति को व्यक्त कर रहा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव प्रकाश के किस व्यवहार को स्पष्ट कर रहा है? तो इसके कुछ उत्तर इस प्रकार है। व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण परिघटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति को व्यक्त करती हैं, और वहीं दूसरी ओर प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव, जिसमें ऊर्जा तथा संवेग का अंतरण होता है, विकिरण इस प्रकार व्यवहार करता है मानो ये कणों के गुच्छ अर्थात फोटोनों से बना हो। असल में प्रकाश जो व्यापक तौर पर एक वैद्युत चुंबकीय विकिरण है, द्वैत प्रकृति अर्थात तरंग एवं कण दोनों ही रूप स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। आइए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश की कौन सी प्रकृति का प्रयोग सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसको एक साधारण उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। हम अपने नेत्रों की सहायता से वस्तुओं को देखते हैं और इस सुपरिचित घटना में दोनों ही चित्रण महत्वपूर्ण हैं। क्या आप जानते हैं कैसे? तो जो प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ती है उसे फोकस करने की प्रक्रिया तरंग चित्रण से भली भांति विवेचित है, और वहीं दूसरी ओर रेटिना में उपस्थित शालिकाओं तथा शंकुओं द्वारा अवशोषण में फोटोन चित्रण की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि विकिरण द्वैत्य प्रकृति यानी कि तरंग तथा कण दोनों ही व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो क्या प्रकृति के कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि भी तरंग जैसा व्यवहार प्रस्तुत करते हैं? लुइस विक्टर दे ब्रोगली, एक फ्रांसीसी भौतिकविद ने 1924 में द्रव्य की तरंग प्रकृति का क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। इनकी निर्भीक परिकल्पना के अनुसार पदार्थ के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग सदृश गुण प्रदर्शित करते हैं। डी ब्रोगली ने यह तर्क दिया कि प्रकृति सममित है। इसी सममिति के तर्क के आधार पर यह कहा गया कि दो मूल भौतिक सत्ताओं द्रव्य एवं ऊर्जा का भी सममित लक्षण होना चाहिए, अर्थात यदि विकिरण का द्वैत्य लक्षण है तो द्रव्य का भी होना चाहिए। डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि संवेग पी के कण के साथ जुड़ी तरंग दैर्ध्य लैम्डा निम्न प्रकार से दर्शाई जा सकती है। लैम्डा बराबर एच बटे पी बराबर एच बटे एम वी। यहाँ एम कण का द्रव्यमान है तथा v इसकी चाल है। आपको बता दें कि विकिरण एवं द्रव्य के द्वैत व्यवहार को समझने के लिए ये समीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समीकरण डी ब्रोगली द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे डी ब्रोगली का संबंध कहते हैं। इस समीकरण में द्रव्य तरंग के तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इस संबंध से द्रव्य का द्वैत स्वरूप स्पष्ट है। आइए समझते हैं कैसे। समीकरण के बाईं ओर लैम्डा एक तरंग का लक्षण है, और जबकि दाईं ओर संवेग पी कण का विशिष्ट लक्षण है। प्लांक स्थिरांक एच दोनों लक्षणों को संयोजित करता है। ये समीकरण एक पदार्थ कण के लिए मूलतः एक परिकल्पना है। इसकी तर्क संगति केवल प्रयोग के द्वारा ही परखी जा सकती है। अब ये देखना रोचक होगा कि एक फोटोन के द्वारा ये समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक फोटोन के लिए संवेग p h न्यू बटे c के बराबर होता है। इसके अनुसार h बटे p बराबर c बटे न्यू बराबर लैम्डा होगा, अर्थात एक फोटोन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वैद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैत्य के समान होगा। यहाँ फोटोन विकिरण की ऊर्जा तथा संवेग का एक क्वांटम है।
डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार एक गतिशील कण तरंग के लक्षण प्रदर्शित करता है, तो क्या एक गतिशील गेंद भी तरंग के लक्षण प्रदर्शित करेगी? उदाहरण के लिए यदि हम मान लें कि एक 0.12 किलोग्राम की गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है, तो डी ब्रोगली के संबंध के अनुसार डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान कुछ इस प्रकार से परिकलित किया जाएगा, पी बराबर एम वी, जहाँ एम और वी का मान रखने पर हमें पी 2.40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा। और डी ब्रोगली के संबंध के अनुसार लैम्डा बराबर एच बटे पी, जहाँ एच का मान 6.63×10⁴ जूल सेकंड है, और वहीं पी का मान 2.40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड रखने पर लैम्डा हमें 2.76×10⁴ मीटर मिलेगा। इस डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान इतना छोटा है कि ये किसी मापन की सीमा से बाहर है। यही कारण है कि हमारे दैनिक जीवन में स्थूल वस्तुएं तरंग सदृश गुण नहीं दर्शाती, और वहीं दूसरी ओर अब परमाण्विक डोमेन में कणों का तरंग लक्षण महत्वपूर्ण होता है और मापने योग्य होता है। आइए अब एक दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जिसका मान m तथा आवेश e है विराम अवस्था में है, फिर इसको एक विभव v द्वारा त्वरित किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा इस पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी, अर्थात k बराबर e v होगा। यदि यहाँ k 1/2 mv² के बराबर है, तो इसको p²/2m लिखा जा सकता है। यहाँ p²(2mk) के बराबर होगा। p को √2mk लिखा जा सकता है, जहाँ k का मान ev रखने पर हमें p √2mev प्राप्त होगा। आइए अब इस समीकरण की सहायता से हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का समीकरण निकालते हैं। डी ब्रोगली संबंध के अनुसार लैम्डा एच बटे पी के बराबर है, और पी का यहाँ पर समीकरण रखने पर हमें लैम्डा एच बटे √2mev प्राप्त होगा। हमने पहले से ही एच, एम तथा ई का मान ज्ञात कर लिया है, और इस समीकरण में इसको रखने पर हम पाएंगे कि लैम्डा 1.227/√v नैनोमीटर के बराबर होगा। इसमें v त्वरक विभव का मान वोल्ट में है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 120 वोल्ट त्वरक विभव के लिए लैम्डा 0.112 नैनोमीटर प्राप्त होता है। इस तरंग दैर्ध्य का मान उसी कोटि का है जितनी दूरी क्रिस्टलों में परमाणीय तलों के बीच होती है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये संकेत मिल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ी पदार्थ तरंग को एक्स किरण विवर्तन जैसे क्रिस्टल विवर्तन प्रयोगों में परखा जा सकता है। कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे कि डी ब्रोगली की परिकल्पना का प्रायोगिक परीक्षण किस प्रकार किया गया, और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज के लिए डी ब्रोगली को 1929 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब तक की चर्चा से ये तो स्पष्ट है कि गतिमान द्रव्य से द्रव्य तरंग किस प्रकार जुड़ा हुआ है। इसको और विस्तार रूप से समझने के लिए आइए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को समझते हैं। आपको बता दें कि द्रव्य चित्रण में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को परिष्कृत रूप में समाविष्ट किया है। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही समय पर किसी इलेक्ट्रॉन अथवा किसी कण की स्थिति एवं संवेग दोनों को परिशुद्ध रूप से मापना असंभव है, यानी कि हमेशा ही कुछ अनिश्चितता स्थिति के विनिर्देश और कुछ अनिश्चितता संवेग के विनिर्देश में होती ही है। इस सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एक्स तथा डेल्टा पी के
गुणनफल की एक निम्न स्तर सीमा होती है जो कि h बार कोटि की होती है। यहाँ h बार h बटे 2 पाई के बराबर है। इस समीकरण से हमें इस संभावना की अनुमति दिख रही है कि यदि डेल्टा x शून्य हो जाए परंतु डेल्टा p को अनंत होना होगा जिससे कि गुणनफल शून्य ना हो। इसी प्रकार यदि डेल्टा p शून्य होता है तो डेल्टा x अनंत होगा। सामान्यतः दोनों डेल्टा x तथा डेल्टा p शून्य नहीं होते जिससे h बार यानी कि उनका गुणनफल कोटि का ना हो। मान लीजिए कि यदि एक इलेक्ट्रॉन जिसका संवेग निश्चित है, संवेग निश्चित से हमारा अर्थ है कि संवेग में अनिश्चितता शून्य है, ऐसे में डी ब्रोगली संबंध के अनुसार तरंग दैर्ध्य भी निश्चित होगा। अर्थात एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की तरंग का विस्तार संपूर्ण स्थान में होता है। बॉन्ड की प्रायिकता व्याख्या से इसका ये अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन स्थान के किसी निश्चित क्षेत्र में स्थानित नहीं होगा, यानी कि इसकी स्थिति अनिश्चितता अनंत होगी जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत के साथ संगत है। एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए विस्तृत तरंग का व्यवस्था चित्र कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन के निश्चित संवेग से मेल खाती द्रव्य तरंग संपूर्ण आकाश में विस्तृत है। इसके अनुसार डेल्टा पी शून्य के बराबर होगा और डेल्टा एक्स अनंत होगा। आप जानते हैं कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी पदार्थ तरंग संपूर्ण आकाश में विस्तृत नहीं होती। ये एक तरंग पैकेट के रूप में आकाश में एक निश्चित क्षेत्र में विस्तृत होती है और इस स्थिति में डेल्टा एक्स अनंत नहीं होता बल्कि तरंग पैकेट के विस्तार पर निर्भर इसका कोई परिमित मान नहीं होता। और ऐसी स्थिति में आप ये भी जान लीजिए कि परिमित विस्तार की किसी तरंग पैकेट का तरंग दैर्ध्य एकल नहीं होता बल्कि ये किसी केंद्रीय तरंग दैर्ध्य के आसपास विस्तृत तरंग दैर्ध्य से बनी होती है। प्रस्तुत चित्रण में इसी स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। डी ब्रोगली के संबंध द्वारा इलेक्ट्रॉन का संवेग का विस्तार होगा यानी कि डेल्टा पी की अनिश्चितता संपूर्ण रूप से संभव है। ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के संबंध से अपेक्षित है। गणितीय ढंग से ये दर्शाया जा सकता है कि तरंग पैकेट विवरण से ब्रोगली संबंध तथा बॉर्न प्रायिकता व्याख्या के साथ हाइजेनबर्ग अनिश्चितता संबंध का परिशुद्ध रूप में पुनरुत्पन्न करता है। गणितीय रूप से तो हमने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को स्पष्ट रूप से जान लिया है परंतु इसको प्रायोगिक तौर पर भी विस्तृत रूप से सत्यापित किया गया है। ये सर्वप्रथम सी जे डेविसन तथा एल एच जर्मर के द्वारा 1927 में तथा स्वतंत्र रूप से जी पी थॉमसन के द्वारा 1928 में सत्यापित किया गया था। इन वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनों के किरण पुंज का क्रिस्टलों के प्रकीर्णन के द्वारा विवर्तन प्रभाव का प्रेक्षण किया था। डेविसन तथा थॉमसन को 1937 में क्रिस्टल के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन की प्रायोगिक खोज के लिए संयुक्त नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आइए इस रोचक प्रयोग को समझने का प्रयास करते हैं। डेविसन तथा जर्मर की प्रायोगिक अवस्था को इस चित्रण में दर्शाया गया है। जैसा कि आप इस चित्रण में देख सकते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन है जो एक टंगस्टन तंतु F की बनी होती है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे फिर एक काम विभव बैटरी से गर्म किया जाता है। ऐसा करने पर तंतु द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसके पश्चात एक उच्च वोल्टता वाले ऊर्जा स्रोत द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को ऐच्छिक वेग तक त्वरित किया जाता है। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को एक बेलन जिसमें इसके अक्ष के समांतर पतले छिद्र होते हैं वहां से पारित करके एक
किरण पुंज के रूप में स्थानांतरित कर लिया जाता है। इसको फिर एक निकल क्रिस्टल के पृष्ठ पर डाला जाता है। क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी दिशा में प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता को किस प्रकार मापा जाता है? इसके लिए इलेक्ट्रॉन संसूचक या संग्राहक के प्रयोग से हम इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को निकालते हैं। जैसा कि आप इस चित्रण में देख सकते हैं कि संसूचक को वृत्ताकार मापनी पर घुमाया जाता है और फिर इसे एक सुग्राही गैल्वेनोमीटर के साथ संयोजित किया जाता है जो धारा को अंकित करता है। क्या आप बता सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विपेक्ष इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता के साथ कैसे संबंधित है? तो आपको बता दें कि गैल्वेनोमीटर में विपेक्ष संग्राहक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस दर्शाए गए उपकरण को एक निर्वातित कोष्ठ में परिबद्ध कर दिया जाता है। इस संसूचक को वृत्ताकार मापनी पर विभिन्न स्थितियों में घुमाकर प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता को विभिन्न अक्षांश कोण के मान के लिए थीटा को मापते हैं। ये कोण आपतित और प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण पुंजों के बीच का कोण होता है। इस प्रयोग में प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता में प्रकीर्णन कोण के साथ परिवर्तन को विभिन्न त्वरण विभवों के लिए प्राप्त किया जाता है। डेविसन जर्मर प्रयोग को त्वरक विभव के 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के परास के लिए संपन्न किया गया और ये पाया गया कि तीक्ष्ण विवर्तन उच्चिष्ट के सांगत एक प्रबल शिखर प्रकट होती है और ये त्वरक विभव 54 वोल्ट तथा प्रकीर्णन कोण थीटा बराबर 50 डिग्री इलेक्ट्रॉन वितरण से पाया जाता है। डेविसन जर्मर प्रयोग के अतिरिक्त 1989 में प्रकाश की तरंग प्रकृति पर किए गए द्विझिरी प्रयोग के समरूप इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से प्रदर्शित किया गया। और इतना ही नहीं, 1994 में भी आयोडीन अणुओं जो इलेक्ट्रॉनों की तुलना में लगभग 10 लाख गुना भारी है, इसके साथ व्यतिकरण फ्रिंजे प्राप्त की जा चुकी है जो कि इसकी तरंग प्रकृति को दर्शाता है। इन सब प्रयोगों से डी ब्रोगली की परिकल्पना का पुष्टिकरण होता है। डी ब्रोगली की परिकल्पना आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी के विकास में आधार रही है। आज के कार्यक्रम में हम देख चुके हैं कि डी ब्रोगली की एक निर्भीक परिकल्पना भौतिकी के नए आयामों के विस्तार का आधार बनी। इसके अनुसार पदार्थ के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग सदृश गुण प्रदर्शित करते हैं जिसका परिमाण हमें गणितीय एवं प्रायोगिक दोनों ही रूप में प्राप्त हुआ। आप इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि डी ब्रोगली संबंध किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के क्वांटीकरण पर बोर की परिकल्पना की समर्थता किस प्रकार दर्शाता है, इसे जानना आपके लिए काफी रोचक रहेगा। इसके साथ ही ये भी खोज करें कि इलेक्ट्रॉन के तरंगीय गुणों का उपयोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में किस प्रकार किया जाता है और ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की तुलना में क्यों उच्चतम है। ऐसे ही सीखने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।